सरकार बनते ही सर्जरी करने का को तैयार है ये पीसीसी चीफ कमलनाथ, और 30 तारीख तक डाटा एकत्रित कर पीसीसी में भेजने का आदेश दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, प्रदेश भर से कांग्रेस की लीगल टीम को कई शिकायतें मिली थी, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी घंटों बैठकर वॉर रूम का एनालिसिस किया था। कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को आदेश भेजा गया है। पीसीसी के वॉर रूम से कांग्रेस की लीगल टीम पूरे इलेक्शन पर नज़र रखे हुई थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आदेश पर उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने पत्र जारी किया है। उनको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने, देखिए आपने पत्र बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 17 तारीख को जब मतदान हो रहा था तो उस समय हमारे प्रत्याशी प्रत्येक मतदान केंद्र पे उनके कार्यकर्ताओं के साथ जा जा के संपर्क कर रहे थे। कुछ जगह ये शिकायतें आई थी कि जहाँ पर उन लोगों ने नामजद शिकायतें हमारे पास करी थी कंट्रोल रूम में, और हमारे यहाँ उस दिन कंट्रोल रूम में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हमारे जो सारे वकील थे, एडवोकेट थे, वो लोग यहाँ मौजूद थे। तो जितनी हमारे पास शिकायतें मतदान के दौरान आई थी, हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट उसी समय चुनाव आयोग को करी थी। सब जगह से नहीं थी, जहाँ से भी आई थी। तो अगर ऐसा कहीं और भी जगह पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें शिकायत करी, और ऐसा हम समझते हैं कि इस बार सभी लोगों ने निष्पक्ष चुनाव कराने का मन था लोगों का, कुछ जगह बहुत ज्यादती करी गई, जहां हमारे कार्यकर्ताओं की मतदान के बाहर टेबल लगती है वहां टेबलें नहीं लगने दी, कई जगह जहां हम लोगों ने शिकायत करी कि साहब ये बहुत इकट्ठे होकर बूथ कैप्चरिंग होने की संभावना है, वहाँ पर पुलिस के कुछ लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। एक दो जगह तो अधिकारियों की शिकायत नामजद हमारे पास करी गई, तो जो हमने चुनाव आयोग को उसी समय कर दी थी। तो अगर कहीं की ऐसा कुछ हुआ तो 30 तारीख तक हमारे पास जानकारी आ जाए। तो सर, आपने कितने प्रत्याशियों को जो है ये लेटर लिखा है, क्या कुछ खास ही या पूरे 230? भाई हमने 230 को लिखा।